सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आ रखा हूँ कुल्लू। तो कुल्लू में भी मैं हूँ भुंतर में। भुंतर में एक जगह बढ़ती है जिया, जहाँ पर पार्वती नदी, आपको दिखाता हूँ मैं, पार्वती नदी है और वहाँ से आ रही है ब्यास नदी और ये जिया संगम है। ये जिया विजय वाला से आता है, अपना जिया वाला से आता है कुल्लू की तरफ, कुल्लू मनाली और ये हाईवे है ये वाला। और अभी हम है यहाँ पर कसौल वाले रास्ते में, अभी हम जा रहे हैं कसौल मणिकरण। मणिकरण में हमारा प्लान है कि हम वहाँ पर गर्म पानी से नहाएंगे, वहाँ पर दर्शन करेंगे गुरुद्वारा साहिब में। और अब मैं मिलवाता हूँ आपको अपने दोस्त से, बचपन का दोस्त। और अभी मैं यहीं पे आ रखा था भुंतर, यहाँ पे इनका बिजनेस है। तो बस हम अभी साथ में बिजनेस के काम से भी जा रहे हैं कसौल की तरफ और घूम भी लेंगे, साथ में ब्लॉग भी शूट कर लेंगे। तो अब मैं मिलवाता हूँ आपको दीपक से। ये है तो साहिल, हेलो। और हम बचपन में साथ पढ़ते थे यहाँ पर। मैं जैसे आपको मैंने बताया होगा शायद, या फिर नहीं बताया, कि मेरी स्कूलिंग जो है कुल्लू से हुई है। बचपन में 4th, 5th, 6th, 7th, 8th क्लास तक मैं कुल्लू में पढ़ता था। गलत हो गया भाई, झूठ बोल रहा है। बाकी आपको दिखाते हैं वहाँ पे जाके, करेंगे क्या फन करेंगे वहाँ जाके। तो मणिकरण भी जाने वाले हैं और आज तो बहुत ज्यादा मजे आने वाला है वैसे। बाकी आपको हम आपको क्लिप्स भी दिखाएंगे, वीडियो मतलब व्यूज भी दिखाएंगे और बाकी अपने यार दोस्त रास्ते में मिलेंगे तो आपको उनसे भी मिलवाएंगे। तो बस आप एंजॉय करो बस। और बाइक का मैं बोलता हूँ, भाई बाइक को सब्सक्राइब करो बस। बाइक अरे कहना क्या चाहते हो, सारा पकड़ाए, सारा पकड़ाए। तो ये है दोस्तों पार्वती रिवर जो मैंने दिखाई थी आपको, और वो है जिया पुल, जिया संगम। वहाँ से व्यास रिवर फ्लो हो रही है और ये रिवर फ्लो होती है हमारी खीर गंगा से। और ये है कसौल वाला रास्ता और अब हम चले यहाँ से आगे। और ये गाइस हम चल पड़े, और ये अपने साहिल ब्रो। तो गाइस ये हम चल पड़े कसौल की तरफ और आज हम जा रहे हैं महिंद्रा इंट्रा में। अपने भाई को मुबारक हो, नई गाड़ी इन्होंने, थैंक यू सो मच। और ये बिजनेस पर्पज से लिया इन्होंने, ये मिनी ट्रक है तो कमर्शियल व्हीकल है। तो आज हम साथ में घूमने भी जा रहे हैं, थोड़ा बिजनेस का काम भी कर लेंगे और भाई से मुलाकात भी होगी इसी बहाने। तो बस अभी चलते हैं कसौल की तरफ, थोड़ा कसौल मणिकरण घूमते हैं। बाकी अगर कुछ इंटरेस्टिंग होता है मैं दिखाता हूँ आपको आगे, बाकी आप इंजॉय करो अब सीन्स आगे। बाकी बचपन में तो हमने भाई बहुत मजे किए, क्यों बचपन में तो बाकी पचौती बड़ी की और में जब पढ़ते थे भाई उस टाइम तो मतलब ऐसा था कि एक शूम दोस्त था हमारा, तो कई बार तो मतलब यार उसके साथ चला जाता था तो मेरे को बड़ा गुस्सा था भाई, कई बार तेरी उसके साथ दोस्ती होगी तो यार बड़ा लगता था। फिर हाँ लड़ाई भी बहुत करते थे स्कूल में भाई बचपन में, मजा था भाई बिल्कुल। बाकी सही था वैसे, मजा भी था। बाकी भी बहुत सारे मीट्स है हमारे, जैसे कि शुभम हो गया, शुभम चंद हो गया, शुभम चंद मतलब बचपन के यार थे। और कई से देख रहे जो मेरा जो अभी निखिल है मेरा बचपन का दोस्त है, हम देखो अभी भी इकट्ठे हैं भाई, कम से कम 20 साल हो गए, 20 तो नहीं हो रही है, 15 साल तो हो गए, 4th से भाई, 4th से जब ये आया था बिल्कुल। और जब तू जब जिस टाइम किया था ना यहाँ से ट्रांसफर करके जब तू गया ना तो भाई मुझे मैं रोना स्टार्ट कर दिया कि तू भाई क्यों चले गए भाई, हमारी बात हुई फेसबुक के थ्रू भाई, 8th 9th 10th तक बात हुई, 10th में बात हुई फिर हमारी, है ना। और जब फेसबुक पर मैसेज आया भाई मतलब इतना मेरे को बढ़िया लगा कि यार ये तो मतलब मेरे को फेसबुक में मिल गया और आजकल के बच्चे तो भाई सुपर है ना, तो ये बात है भाई। अभी बाकी चलते हैं बचपन की यादें थी बिल्कुल, अब ये है कि चलो जिम्मेदारियां बढ़ गई है, मतलब जिम्मेदारियां बढ़ गई है बेटा, जिम्मेदारियां बढ़ गई है बस। नहीं बढ़िया भाई, ऑल द राइट, बिजनेस बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। बाकी चलो दिखाता हूँ आपको आगे सीन्स कैसे हैं, वैली एंजॉय करो आप। सो बाकी बातें तो होती रहेगी अभी, क्यों। तो गाइस ये माउंटेन देख सकते हो आप, कितने ब्यूटीफुल आ रहे हैं और रोड भी काफी सुंदर है। बचपन में तो हम काफी बार गए कसौल, स्कूल से भी गए एक दो बार, बट
वो मजा उस टाइम अलग था और अभी का कुछ अलग मजा है। क्यों भाई उनकी नजरों में ये बंदा इतना वो था ना सिंसियर था और हम लोग हम बचपन में पता ही है कि कैसे होते कंडी होते पंडा पंडा होता नहीं था हमारे को और हमेशा तेरी तारीफ करते थे हमारे मेरे को बड़ी जलस आती थी मैं बड़ा जलस करता था भाई हमारी तारीफ करती नहीं है मैडम और निखिल की बड़ी कितनी तारीफ करती है मतलब और ये इसको हमेशा मैं ना स्टूडेंट ऑफ द ईयर बाकी आप लोग भी समझ सकते हो कैसा लगता है बहन और भाइयों कैसे भाई बहन और भाइयों नहीं सिर्फ दोस्तों दोस्तों बहने अच्छा राजा जी बहुत तेज हो रहे हो हैं बहुत तेज हो रहा साल तो ऐसे ये देखो गाइस ये रेंजेस सारी माउंटेन्स जब अभी विंटर आएंगे तो सारे में स्नो हो जाएगी फिलहाल तो बस चले हैं। अगर पिछले कल आज भी बारिश रहती तो यहाँ पर आपको स्नोफॉल देखने को मिलता। हाँ अगर पिछले कल की तरह मौसम आज होता ना तो शायद यहाँ पर ऐसा होता कि स्नोफॉल होता ना स्नोफॉल हो जाता बिल्कुल टेम्परेचर बिल्कुल डाउन था बिल्कुल कल तो काफी ठंडी यहाँ पे ऐसा है कि कुछ मतलब मौसम का तो कुछ पता चलता नहीं कि कब बारिश हो जाए कब यहाँ पे धूप निकल जाए ऐसा बात है। बाकी देखते रहो आप मजे लेते रहो आप कसौल वैली की। और जैसे कि आप देख पा रहे हो ये माउंटेन्स ना मतलब काफी ब्यूटीफुल लग रहे हैं ये वैली ही कुछ ऐसी है गाइस मैजिकल वैली बोलते हैं। यहाँ पर जो बंदा आता है तो वैसे एक बार वो आएगा वो कभी जाके वापस वापस नहीं जाएगा यही रह जाएगा प्यार हो जाएगा उसको वैली से समझ रहे हो आप मतलब जाएगा भी तो द्वारा वापस यहाँ पे आएगा इसको तो अभी मैजिकल वैली बोलते हैं। एक तो हमारे यहाँ पर मलाना वैली भी मलाना गांव है जो वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है बिल्कुल। तो अगर मौका मिलेगा तो जरूर हम आपको दिखाएंगे वहाँ जाके अगर मौका मिलता है। जैसे आज तो हम वैसे मणिगंज जाएंगे और जैसे कि आप आगे देख सकते हो ट्रैफिक भी काफी इस रोड में क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट टूरिज्म के लिए मतलब फेमस जगह है ये। क्यों जो बंदा कुल्लू आता है कसौल तो वो जाएगा ही। रोड्स आर टोटली क्राउडेड यू डोंट गेट टाइम टू मूव द व्हीकल। तो गाइज अभी हम कसौल की तरफ जा ही रहे थे और रास्ते में हम रुके और ये देखिए आप स्नोई माउंटेन्स ये ना भी 2 या 3 डेज पुरानी बर्फ है अभी पड़ी थी कल तो बहुत ज्यादा मौसम खराब था कल भी स्नोफॉल हुआ है काफी मनाली में भी स्नोफॉल हुआ अटल टनल साइड भी और ये कुछ इस तरह से व्यू है। तो दोस्तों अभी हम पहुंचने वाले हैं जरी यहाँ से 5-10 मिनट लगेंगे और इस जगह नाम है बगेंदा है और यहाँ से अब जरी आने वाला है अब जरी भी उप तहसील बन गई है। हाँ जरी उप तहसील हो गई है अब जरी से हमारी दोस्त है अदिति जरी से थी और तो अभी हम पहुंचे हैं जरी दोस्तों रास्ता मलाना विलेज के लिए वहां से ऊपर और जो आप ये पाइपिंग देख रहे हो ये है मलाना हाइड्रो प्रोजेक्ट वाला जितना भी पानी वाला सीरीज आ रहा है यहाँ से 12 किलोमीटर है मलाना विलेज और यहाँ से वैसे ट्रैक भी है पैदल भी और सड़क भी है 4-5 किलोमीटर ट्रैक है 4-5 किलोमीटर का ट्रैक तो है ही यहाँ से बट और कोई लोग यहाँ से भी जाते हैं 10-12 किलोमीटर का ट्रैक करके आते हैं। अभी रह गया यहाँ से 107 किलोमीटर और अभी हम यहाँ रुके थे बस ऐसे ही थोड़ा फ्रेश होने के लिए और देखो गाइस कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये रिवर माउंटेन स्नो और ये रास्ता और ये हम और ये अपने साहिल भाई और ये अपना इंट्रा और दोस्तों यहाँ पे ये लगा है झूला टाइप यहाँ से रिवर क्रॉस करने के लिए अभी इसमें है नहीं वो यहाँ पे होता है सामान ले जाने के लिए भी काफ़ी यूजफुल होता है ऐसे ही आगे क्रॉस करते हैं रिवर वो लगा है उधर मैं दिखाता हूँ अगर आपको दिखेगा ये है गाइस झूला
और इस तरह से, और ये रिवर है हमारी पार्वती रिवर। हम जा रहे हैं यहाँ पे जड़ी बूटियों का पानी मिलता है, तो यहाँ पर हम भर रहे हैं जड़ी बूटियों वाला नेचुरल पानी। ये है यहाँ पर कैंप साइट, काफी अच्छी प्रॉपर्टी है कैंपिंग साइट से। कसौल यहाँ से कसौल शुरू हो जाता है जी, यहाँ ऐसा रख लो दिस इज द बिगनिंग ऑफ कसौल, यहाँ से कसौल वैली अब अच्छे से शुरू होगी। और वो माउंटेन देखो, और ये हमने पानी भर लिया, यहाँ से अब चलते हैं, यहाँ से एडवेंचर हो गया भाई बहुत ज्यादा। ओके, यहाँ से हमारी एडवेंचर की शुरुआत होती है बिल्कुल। और अभी हम पहुंच गए हैं कसौल, ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, लाइक एक से दो किलोमीटर रहा पूरा। ये मार्केट शुरू हो गई कसौल की जो है, यहीं से आपको होटल्स वगैरह सब कुछ दिखना शुरू हो जाएंगे, जितने भी यहाँ पे बाइक रेंटल्स भी है, आप बाइक रेंट करके भी यहाँ पर राइड कर सकते हो और अपना व्हीकल लेके भी आ सकते हो। और काफ़ी हैपनिंग प्लेस है, जैसे कि आप देख रहे हो काफ़ी हैपनिंग प्लेस है। हाँ, अभी ऑफ सीजन है तब करके थोड़ा कम क्राउड है, बट वीकेंड में काफ़ी क्राउड मिलता है यहाँ पर। और आज तो ट्यूजडे है तो आज तो उतना होगा नहीं वैसे भी। और ये है गाइस कसौल की मार्केट। और ये है दोस्तों कसौल मार्केट, अभी थोड़ी देर में एक्सप्लोर कराऊंगा। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं आगे मणिकरण की तरफ, पहले मणिकरण में दर्शन वगैरह स्नान वगैरह कर लेते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको मैं कसौल मार्केट अच्छे से। हैविंग सम स्ट्रीट फूड ऑफ कसौल। तो बस यहाँ पे एंजॉय करे स्ट्रीट फूड भाई के वहाँ अपने कसौल में। हमारा इतना कसौल में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो इस भाई के वहाँ आएगा नहीं। हाँ भाई, मतलब बर्गर के टेस्ट में बढ़िया है, मस्त है, क्यों इतना बहुत बढ़िया भाई, बहुत जबरदस्त है। और अब हम जा रहे हैं मणिकरण की तरफ, यहाँ से कुछ पेमेंट वगैरह लेनी है साहिल ने, तो उसके लिए रुके बस। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं मणिकरण, तो वहाँ जाके हम लोग अभी गुरुद्वारे जाएंगे, वो आपको वहाँ का व्यू भी दिखाएंगे। हमारे देखो ब्लॉगर साहब गाड़ी चला रही है, बिल्कुल 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 भाई सही है। तो ये देखो हमारा कसौल का नज़ारा कितना बढ़िया लग रहा है। तो अभी भी हम गाइस कसौल में ही हैं और मैं भी वेट कर रहा हूँ साहिल का, वो आ रहा है अभी काम से गया कुछ बाहर, तब तक बस यहाँ बैठ के फोन स्क्रॉल कर रहा था, तो मिलता हूँ आपसे आगे अब। 20 minutes later. तो फाइनली गाइस हम पहुँच गए हैं मणिकरण गुरुद्वारा साहिब। जय हो वाहे गुरु, वाहे गुरु जी की फतेह। कसौल से लगभग 2 या 2.5 किलोमीटर ही है, मैक्सिमम किलोमीटर है। और अपने ये दीपक भाई दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना, अपने साहिल और दीपक भाई एक ही है। हाँ, इनका निकनेम साहिल है और दीपक भी इनका नाम, तो मैं दीपक है। स्कूल का नाम दीपक है, साहिल नाम जानते हैं मोस्टली, तो मैं मिक्स बोलता हूँ भाई, कन्फ्यूज नहीं तो बोलेंगे बंदे कमेंट भाई कौन है भाई। फाइनली दोस्तों हम पहुँच गए हैं मणिकरण साहब गुरुद्वारा, और मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ की सीन। और ये स्वैगी बॉय, तो ये है मणिकरण साहब गुरुद्वारा। और आप सोच रहे होंगे ये भाप क्या है, यहाँ पे ना एक्चुअली गर्म पानी है, गर्म पानी आता है। तो ये है पार्वती रिवर, यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे मान्यता यह है कि पार्वती जी की यहाँ पे कान की बालियाँ जो है ना गुम हुई थी, और वो जाकर गुरु नानक देव जी को मिली थी, तो तब यहाँ पर गुरुद्वारा जिसका निर्माण किया गया है। और ये यहाँ पर पूल बने हैं नहाने के लिए, और ये यहाँ पर गर्म पानी के पूल बने नहाने के लिए। बट अभी हम नहीं नहा रहे भाई, बहुत ठंड है बाहर, नेक्स्ट टाइम ज़रूर यहाँ पर स्नान करेंगे। और अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारा साहब
दर्शन करने। तो अभी हमने अच्छे से दर्शन कर लिए गुरुद्वारा साहिब में और अब हम जा रहे हैं लंगर चखने प्रसाद। चलो चलते हैं लंगर हॉल की तरफ। ये है लंगर हॉल। और अभी प्रसाद खाने के बाद अब हम चाय पीने आए, गुड़ की चाय जो कि यहाँ पर बनती रहती है ऑटोमेटिकली। कुछ साइंस तो है। चाय पी रही हम लोग। चाय बस। और जो भी ये फॉग दिख रही है आपको सारी गर्म पानी की है, फॉगी फॉग है देखो। और बाहर भी रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है और हम पी रहे चाय। और अभी हम यहाँ आगे मणिकरण मार्केट की तरफ थोड़ा। और ये हमारे भोलेनाथ जी का मंदिर है, यहाँ पे भोलेनाथ जी का मंदिर है शिव जी का, यहाँ पे भी दर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर भगवान जी के दर्शन करने के बाद शिव मंदिर मन करने है। अब जी चलते हैं थोड़ा मार्केट की ओर। एक्चुअली अंधेरा हो गया तो इतना ज़्यादा शूट नहीं हो पा रहा है। जब मैं नई गाड़ी क्रेटर लूंगी तो मैं जाऊंगा माता वैष्णो देवी, तो तू भी चली साथ में मेरे, ठीक है? हाँ हाँ जरूर भाई, महा भाई क्यों जाना है भाई दर्शन करने। राम मंदिर चलते हैं दर्शन करने। राम मंदिर वाहेगुरु श्री रघुनाथ जी का मंदिर, प्राचीन मंदिर। और अभी हमें यहाँ पर दर्शन करते करते रात हो गई। और दोस्तों इस जगह का व्लॉग मैं फिर से बनाऊंगा अच्छे से, क्योंकि अभी हम सिर्फ दर्शन करने आए थे।
1 hour later. तो गाइज अब हम चल पड़े यहाँ से वापस, और अभी यहाँ हमें काफी रात हो गई है, तो अब आगे व्लॉग तो ज्यादा शूट करूंगा नहीं. तो गाइज आप देख सकते हो अभी मुझे लाइक एकदम हम कसोल में है, तो लाइक एकदम चिली मतलब हवा ऐसी चल रही है भाई पूरी, और लाइक पूरी तरह माय हैंड्स आर टोटली फ्रीजिंग राइट नाउ. I will show you one guy who's very crazy. His name is Sean, and he's now like, you know, he's running his business and he sells chicken and everything. So he's very good, he's my good friend. So people, whenever you come to Kasol and just try the very luscious chicken he prepared. Yes. So guys, once you try this soup, you never forget the taste of Bichu cook. Yes. So his name is like Sean. Just tell me something about yourself. So when so I cannot give you introduction. Please, if you want to have something, just come to Kasol and have food. Have food. And just try it, and then after, let me know how is my taste and how is my food. Yes, bro. So that's it, my friend. Thank you very much. सो हेलो गाइज, दिस इज़ द नेक्स्ट डे. कल रात को हम कसौल और मणिकर्ण से वापस आ गए थे, फिर रात को ज़्यादा शूट किया नहीं क्योंकि अंधेरा हो गया था काफ़ी, और मणिकर्ण एंड कसौल वाली वीडियोस फिर से आएंगी. ये तो हम जस्ट अभी दर्शन करने गए थे सिर्फ माथा टेकने, और कसौल और मणिकर्ण की वीडियो मैं फिर से शूट करूँगा, और कभी जाएंगे तो मौका मिलेगा फिर से अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे इनको. तो बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना. बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में.